जय माता दी। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक देखिए, हम दोस्तों जैसा कि आप सब लोग और हम नए ब्लॉग के संग आपके संग आ चुके हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि गेस करिए हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं चूल्हे पे मक्के की रोटी। और हमने कहा भी था आपको बना के दिखाएंगे। और गाइस, जिससे जिसको बनाने नहीं आती है उसको इजी तरीके से बनाने का तरीका ये बहुत आसान है। मैं दूसरी रोटी आपको बेल के दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं हमने तवे पे डाल दी है। हमने बैटर तैयार कर लिया था गाइस, और हमारे पास लकड़ियां आजकल कम होती जा रही है, हम लकड़ियां लेके आएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे दोस्तों। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने पहली बार मक्के की रोटी बनाई है, मुझे बनानी आती है और ये कला माँ ही सिखाती है। मम्मी इसको भी से वो हेलो गाइस, पहले हम आटे को ऐसे करेंगे, आप देख सकते हैं इसको ऐसे करेंगे, बहुत मतलब एक मिनट तक ऐसे करेंगे जिससे कि ये एडजस्टेबल हो जाए। नीचे हम पन्नी लगा लेंगे। अब उसे हम पलटेंगे पलटेंगे। गाइस, वैसे तो ये मिट्टी के तवे पे बनती है पर मिट्टी का तवा हमारे पास नहीं है। वाओ, कितनी अच्छी हुई है, इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने एक मोटा सारा लकड़ा लगा दिया है, लकड़ा ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। पनीर से क्या ये आधी ही बनती है ऐसे, और फिर क्या थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। अब मैं इसको आधा पन्नी पे कर लूँगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप बनाना चाहें, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर आप मन लगा के करना चाहे तो। और देख सकते हैं हमारी रोटी सिक रही है, और इसको हम नीचे ही सेकेंगे। आसपास का नज़ारा दिखा दो ना दोस्तों को, नीचे से दर्शन करा दो माता जी के, और घी लेके आ जाना। नहीं, घी है इसमें। घी है तो पापा के लिए है ना, वो दाल के लिए आना, दाल। हेलो दोस्तों, हमने इसको गर्म पानी से साना था आटे को, जिससे कि बादी नहीं करे मक्के की रोटी। अब मैं इसको रखूंगा, बस ही बनाएंगे गाइस। आप देख सकते हैं सिकरी और किरण कुछ लेने जा रही है नीचे, और आपको मंदिर के दर्शन भी करा देंगे। चुभ रहा है मेरी। और चलिए मंदिर से भी दर्शन करवा देते हैं, और मंदिर के दर्शन कर लीजिए। चलिए डाल लेते हैं। और हमारे घर में ना एक छोटी सी चूहिया भी आ गई। चूहे तो दो पहले से ही थे, पर चूहे आकर एक कसर पूरी कर दी चूही ने। तो दोस्तों मैं दूसरी कटोरी ले लेती हूँ, दूसरी कटोरी। और ये रही हमारी वो दाल जिसके बारे में हम आपको चीनी डाल देते हैं।
थोड़ा और डाल देंगे। हाँ अब सही है, तो हम यहाँ रख देंगे। चलिए ऊपर थोड़ी थोड़ी रुकिए, हम इसे ऐसे लेके चलिए। चलिए दोस्तों चलते हैं। लाओ, और घी कहाँ है? घी ये रहा। दोस्तों को बता दूं हमने सब्जी क्या बनाई है। दाल बनाई है दोस्तों, मेथी की दाल। आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाई जाती है मक्के की रोटी। पुरानी औरतें तो हाथों से ही बनाती थी दोस्तों, पर आजकल की जनरेशन के लिए मैं इजी तरीका बता रही हूँ। हर कोई मक्के की रोटी बना सकता है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है अगर खाने का शौक हो तो। आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खाया जाता है, इन चीज़ों को तो कोई जानता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी होती है। और आप देख सकते हैं हमारी रोटी सिक चुकी है, और इस पे हम घी लगा देंगे। चम्मच नहीं है मेरे पास तो मैं हाथों से ही लगा दूंगी। वो सिक गई होगी, देख सकते हैं। YouTube फैमिली को दिखा दो। और दोस्तों ये रहा टेस्टी खाना, देसी खाना। पापा को देखिए, आ जाओ, YouTube फैमिली को भी खिला दो। और ये रोटी देखिए हमारी कितनी फूल चुकी है। और चलिए YouTube फैमिली आप भी खा लीजिए और पापा को खिला दो। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि एंड अभी नहीं करेंगे। आप आस-पास का नज़ारा दिखा दो दोस्तों को। नहीं, वो एक बार कॉल आ गई थी ना फोन की, इसलिए मेरे को लगा कट जाएगा। नहीं कटेगा। जो दोस्तों देख सकते हैं आसपास का नजारा, देख सकते हैं कपड़े भी सूख रहे हैं धूप में। और आज है ना बहुत बढ़िया धूप आ रही है। मैं आपको बता दूं, सूरज तो भगवान दिख रहे होंगे शायद, है ना। और ये देख सकते हैं नीम का पेड़ सूख चुका है, और वहाँ पर सरसों है, शायद काटना शुरू हो जाएगा। और पापा कैसी बनी है? बढ़िया दोस्तों। मम्मी पापा बातें कर रहे थे, और ये पेड़ भी कट चुका है। और यहाँ पर अभी काम पता नहीं बंद कर दिए शायद, तो चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी मम्मी से मिलवाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे मैं कान वगैरह में क्यों नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है इन चीज़ों का बिल्कुल भी। मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। जिस चीज़ में कंफर्ट महसूस होता है उस चीज़ में, उस काम को मैं पहले करती हूँ गाइस। और आप देख सकते हैं हमारी दूसरी रोटी भी सिक चुकी है, इसको हम यहाँ रख लेंगे। और इसको हम राउंड अप करते हुए दूसरी रोटी को हम नीचे ले लेंगे सेकने के लिए, और इसको छेड़ा दे डाल देंगे, और इस पे घी लगा लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं।
और किरण ने कुछ बनाया था, कर किरण आपको दिखा नहीं रही है। नीचे ले जाकर दिखाती हूँ। ये पापा को दे दो रोटी। दोस्तों और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो चीज मैंने बनाई है। ये देखिए, एक कुछ मैंने ये बनाया था, एक तो ये बनाया था, ये वैसे जुगाड़ू कार्ड है, जो कार्ड आया था उससे मैंने बनाया ये। मेरे को बहुत सुंदर लगा था कार्ड, इसलिए मैंने ना इसके ये बना लिया अपने लिए कुछ रखने के लिए, मतलब पेंसिल वेंसिल वगैरह। और मैंने ना ये पेंटिंग्स बनाई है आपको, सॉरी मैं बनाते नहीं दिखाई, पर ये मैंने ही बनाई है। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये रात का समय है और ये दिन का समय है, दोनों रात सुबह। तो मैं इसका ना ऐसे 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 भी रख सकती हूँ। अब आप देखिए गौर से कि कैसी लगती है ये पेंटिंग और ये वाला। और मैंने आपको ये तो दिखाई दी है पेंसिल, इसमें भी पेंसिल रख सकते हैं, नहीं इसमें नोट्स रख सकते हैं। और मैंने पेंटिंग बनाई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इस पर बहुत सारे लाइक देना अगर आपको पसंद आती है तो। चलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ, अब दोनों चलिए ऊपर। ओहो मैं तो लाइट बंद करना ही भूल गया दोस्तों, बातों बातों पर। चलिए दोस्तों गेट बंद कर देते हैं, गेट वाले। चलिए दोस्तों और चलिए दोस्तों ऊपर अब आ चुके हैं। दोस्तों हेलो दोस्तों, हमारी रोटियां सिकती जा रही है, आप लोग बहुत दूर है हमसे, नहीं हम आपको भी खिलाते गाइस। हमें बहुत अफसोस हो रहा है आप नहीं खा पा रहे हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं मक्के की रोटी कैसे बना रही हूँ। तब तक के लिए कल तक के ब्लॉग के लिए, कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।